नाजरीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, ठीक है। आज लास्ट वीडियोस में आपको मैंने अपने डर्माकॉस की ग्रे क्रीम के बारे में बताया था। डर्माकॉस की ग्रे क्रीम के बारे में मैंने आपको उसके रिज़ल्ट के बारे में बताया था, उस पर आप वीडियो में लाइव मैंने अप्लाई करके बताया था, उसका रिज़ल्ट भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कितना 100% रिज़ल्ट सिर्फ 5 to 7 मिनट्स अप्लाई करने के बाद ही उसका रिज़ल्ट जो था हमें 100% मिला था, आप लोगों ने देखा भी था। आज मैं आप लोगों को होममेड फेशियल के बारे में बताने लगी हूँ। आप सब जानते होंगे कि फेशियल क्या चीज़ है, हम सब के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए, कितना गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए ये आप कोई ऐसी चीज़ है जो नहायत इम्पॉर्टेंट हो गई है। और आजकल जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि एयर पल्यूटेड हो गई है, आलूदगी इतनी हो गई है, तो ये क्रीम, ये फेशियल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी स्किन को डर्ट लेस करें, साफ रखें, क्लींस करें, उस पर ग्लो लाएं। हर लेडी ये चाहती है कि उसका फेस ग्लो करे, साफ़ सुथरा हो, चमकदार हो, और जो देखे वो उसे पूछे कि भाई आपने फेस पर क्या यूज़ किया है। आज मैं आपको एक होममेड फेशियल के बारे में बताने लगी हूँ। इसमें जो चीज़ें मैं यूज़ करने लगी हूँ वो आपको इजीली अपने घर के किचन से ही मिल जाती हैं। आपके घर के किचन में हर वो चीज़ मौजूद होती है जो इस फेशियल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस फेशियल के लिए सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ कि क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये ड्राई मिल्क पाउडर है। नंबर 2, ये एलोवेरा जेल है, ये मैंने फ्रेश लिया है अपने घर से। आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो घर का भी फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है हमारा, वो आप ये देखें कि ये चावल लिए हैं मैंने बराबर क्वांटिटी में। आप जितना चावल लेंगे उतनी ही आप इसमें रेड लेंटिल यानी लाल मसूर की दाल इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को मिलाकर बराबर की क्वांटिटी में आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडर करने के बाद आपने इसको अच्छे से छान लेना है और फिर इसका एक पाउडर बना के आपने जार में रख लेना है, ठीक है। इसमें जो लाल मसूर की दाल मैंने इस्तेमाल की है वो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो लेकर आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेसन। आप ये देख सकते हैं कि ये बेसन है जो हर घर में इजीली मिल जाता है, ठीक। आपने इसके बाद क्या लेना है, ये आपने मिल्क लेना है। ये मैंने रॉ मिल्क लिया है, इसको मैंने बॉयल नहीं किया है, ये बॉयल किए बगैर ही मैंने इसको लिया, इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। ये भी आप लोगों के घर में इजीली मिल जाती है, किचन में सबके पास होती है। नेक्स्ट जो हमारा है इंग्रेडिएंट वो है लेमन। लेमन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेमन बहुत ज़्यादा यानी कि आप इसको अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप नीम गर्म पानी में सुबह के टाइम पर निहार मुँह एक लेमन आप उसमें नीम गर्म पानी में शामिल करके एक गिलास अगर डेली इसको आप पीते हैं तो आप डेफिनेटली एक ही मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा नज़र आएगा कि आपका वेट लूज़ हो गया है, ठीक है। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं, आते हैं फेशियल की तरफ वापस, हम क्या यूज़ करने लगे हैं। अब ये रोज़ वाटर है, आप किसी भी कंपनी का ले लें, कहीं से भी ले लें, आपने इसको रोज़ वाटर यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लींजिंग के लिए आप सब लोगों को मालूम है कि मैं पॉन्ड्स का क्लींजर यूज़ करती हूँ, एंड फेशियल के लास्ट में जो हम यूज़ करेंगे वो पॉन्ड्स का टोनर है, ठीक है। हमने क्या कर लेना है, इन सब चीज़ों को आप बारी बारी मिक्स करते रहना है, ठीक है। हमने ये एक बाउल ले लिया है, सबसे पहले हम इसमें यूज़ करते जाएंगे, मिक्स करेंगे। ये मैं इतना ले रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, इतना ज़्यादा भी आपने नहीं बना लेना है कि वो बच जाए और फिर बाद में इस्तेमाल में ही ना आए। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ले लिया है, ड्राई मिल्क पाउडर, अगर ये ना हो तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये फ्रेश एलोवेरा जेल है, इसको हमने इस तरह से 1/2 टेबल स्पून हमने यही मिक्स करना है। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा जेली लाइक होता है, ये ले लेना है हमने।
अब हमने क्या करना है इसमें, ये जो हमने राइस वाटर बना, राइस को हमने ब्लेंड किया था रेड लेंटिल के साथ, हमने ये हाफ टेबल स्पून इसका ले लेना है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट ये हो गया। अब हमने इसके बाद क्या लेना है, ये हमारा बेसन है, हाफ टेबल स्पून हमने इसको ले लेना है। बेसन तो वैसे भी अगर आप घर में, आपको एक्नी अगर निकली है फेस पर और आप उसको बेसन को और हल्दी को मिलाकर अगर आप उसका मास्क लगाते हैं तो डेफिनेटली एक ही वीक में आपकी एक्नी जो है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये अब हम टर्मरिक पाउडर ले रहे हैं हाफ टेबल स्पून, ये भी हमने हाफ टेबल स्पून लिया है, इसको हमने इस तरह से ले लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून मिल्क यूज़ करना है, ये हम रॉ मिल्क यूज़ कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने ये लिया है और इसको थोड़ा सा हम और लेंगे, बस इतना काफ़ी है। आपने ये इस तरह से ले लेना है। फिर आपने क्या करना है, ये इस तरह से लेमन है, आपने लेमन के इसमें लेमन के आपने कुछ ड्रॉप्स यूज़ कर लेने, ये आपने लेमन के ड्रॉप्स ले लिए। अच्छा, ये इसमें जो हमने एलोवेरा डाला था उसकी वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से स्टिकी हो गया है। अभी ये हमारा रेडी नहीं है, हमने इसमें अभी क्या डालना है, फर्दर मिक्स करना है हमें इसमें 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर। ठीक है, 1 टेबल स्पून हमने रोज़ वाटर यूज़ करना है। इसको अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिस तरह भी आप चाहें इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप एक क्रीम या पेस्ट बनाकर भी एक जार में आप 1 वीक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं इसको, रेफ्रिजरेटर में, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपने इसको देख रहे हैं किस तरह से मिक्स हो रहा है, अब हमने इसमें क्या करना है, हाफ टेबल स्पून से भी कम हमने इसमें ग्लिसरीन को यूज़ करना है, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट में काम आती है ग्लिसरीन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ग्लिसरीन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये देखें, ये अब मैंने इसमें इस तरह से डाल लिया है हाफ टेबल स्पून, ये ग्लिसरीन आ गई है। अब आप देखेंगे हमारा मिक्सचर जो है ये रेडी हो गया है। ये आपका एक कंबाइन, ये समझ लें आपके सब प्रोडक्ट को मिलाकर, सब चीज़ों को मिलाकर आपका एक होममेड फेशियल है। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सबसे पहले क्लींजिंग करें, फिर स्क्रबिंग करें, फिर स्किन को एक्सफोलिएट करें और लास्ट में आप मास्क करें। ठीक है, मैं आपको ऐसा प्रोसीजर बताऊँगी कि आपने इसको उसी तरह से आप एक ही बार में यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत शानदार आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो आप जैसे जानते हैं क्लींजिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेशियल। आपने सबसे पहले तो अपने, और उससे भी पहले आपने क्या करना है, इस तरह से अपनी ज्वेलरी को रिमूव कर देना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं किसी भी काम में, तो आपने जो अपनी ज्वेलरी है उसको रिमूव करना है। अब ये मैंने अपनी ज्वेलरी उतार दी है, ये रिंग उतर नहीं रही है इसलिए इसको मैं ऐसे ही रह छोड़ देती हूँ, या आप इसको चाहें तो फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह इनर साइड पर। ठीक है, अगर इस तरह से रिमूव आप नहीं हो रही है तो आप इसको इस तरह से कर दें, या आपने इस तरह से सबसे पहले तो आपने वॉश कर लेना है फेस को। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको हैंड पे बता रही हूँ आप ये। अब ये मैंने, आप जानते हैं क्लींजिंग के टेक्निकली स्टेप होते हैं। आपने क्लींजिंग को, ये मैं पॉन्ड्स का क्लींजर यूज़ कर रही हूँ, आपने इसको जेंटली अप्लाई करना है अपने फेस पर इस तरह से। अगर आपको फेशियल के स्टेप नहीं आ रहे हैं तो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है इसमें। हमने इसको सर्किल में, आपने अपने फेस पर इस तरह से सर्किल में इसको
मसाज करना है। 3 to 4 मिनट आप अपने फेस पे इस तरह से मसाज करेंगे। क्लींजर आप जानते हैं कि हर घर में इजीली मिल जाता है, क्लींजर का कोई मसला नहीं होता। उसके बाद आपने इसको इस तरह से साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है अपनी स्किन को, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो ठीक से साफ हो जाएं, क्लीन हो जाएं। इस तरह से आपने इसको क्लीन करके देन आपने क्या करना है, जो आपने मिक्सचर अपना रेडी किया है इसको आप एक बार फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। या आपने अपना मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको आपने इस तरह से, अगर आपने ज्वेलरी वगैरह पहनी है तो उसको आप रिमूव कर दें। आप अपने फेस पर इसको अपर डायरेक्शन में, ठीक है, आपने नीचे की तरफ आपने नहीं जाना, आपने किस डायरेक्शन में जाना है, ऊपर की डायरेक्शन में जाना है, अपर डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने अपने इस मिक्सचर को अच्छे से आपने कवर कर लेना है अपने फेस पर लगाकर। ये इस तरह से देखें मैं अप्लाई कर रही हूं। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये ऑल टाइप स्किन के लिए फेशियल है। आपकी स्किन अगर ऑयली है, ड्राई है या ऑल टाइप है, आप इसको तब भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाएं। लेमन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, फ़ायदेमंद है। हल्दी कितनी फ़ायदेमंद है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मिल्क, आपको पता है कि मिल्क कितना इम्पोर्टेंट होता है। मिल्क तो एक कंप्लीट फूड है। इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है इसका, इस तरह से सर्किल में आपने इसको मसाज करना है। अगर आपको फेशियल स्टेप नहीं पता या आपको नहीं आते, फेस पर काफ़ी ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहां हमें उन्हीं पॉइंट्स को लेकर चलना होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि ये सब तो एक ट्रेनिंग के दौरान आपको बताए जाते हैं, तो अगर आपने पार्लर का कोर्स नहीं किया है, आप ब्यूटिशियन नहीं हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तब भी आप ये फेशियल कर सकते हैं। आपने इस तरह से सर्किल में इसको मसाज करना है। इस तरह से आपने अपने सर्किल की मदद से इसका मसाज करना है। इस तरह से मसाज करने के आपने कितने, 5 मिनट, तकरीबन 5 मिनट आपने ये मसाज करना है, और उसके बाद आपने इसको ड्राई होने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको ड्राई करना है। जैसे ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आपने फिर इसको स्प्रे करना है, वाटर स्प्रे करना है। वाटर स्प्रे करके आपने फिर दोबारा इसको इस तरह से मसाज कर देना है, और फिर आपने इसको अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको मैं बताती चलूँ कि ये टोनर है। वॉश करने के बाद आपने अपने फेस पर ये टोनर अप्लाई करना है। ये पॉन्ड्स का टोनर है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो, या आप जिस कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। आपने ये टोनर लगा लेना है ताकि हमारे जो पोर्स ओपन हुए थे वो क्लोज हो जाएं। ठीक है, अभी मैं इसको ड्राई करने के बाद ही वॉश करूँगी, क्योंकि मैंने अभी इसको अप्लाई किया है तो मैं इतनी जल्दी वॉश नहीं कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। आप ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह ये फेशियल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, पॉलर से भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं अब आपको अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और होममेड रेमेडीज़ के बारे में बताऊँगी, हेयर फॉल के बारे में, कुछ ब्लीच के बारे में जो आप होममेड ब्लीच बना सकते हैं, उन सब चीज़ों से जो आपके घर में इजीली मिल जाती हैं, आपको परेशानी नहीं होती और आपको कोई मसला नहीं होता उनको लेने में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।